Priyank is live with us. Just going across to him, I believe he has somebody who's close to Pradyumn, who is live with him. Priyanka, I believe you have the driver who ferried him to the school that day. We have with us Manoj, the bus conductor, who was also at the spot, and soon he also rushed for the rescue. He was the one who was holding Pradyumn in his lap when he took Pradyumn right from the school to the hospital. And although the gory story is yet to be told by Manoj. Manoji, puri baat vistar se bataiye, kya hua, aap kahan the, puri baat. Yes, aaj hum subah nikalte hain 6:15 baje school se. बच्चों को लेने के लिए तो गुड़गांव से आते हैं, लेके हम करीब 7:45 बजे स्कूल में बस की एंट्री हो गई थी हमारी। हमने बस खड़ी करी कच्ची पार्किंग में, उसमें से बच्चे उतर के अपने स्कूल के अंदर चले गए और हम पास में पार्किंग के पास में दरी दे रखी स्कूल ने, उस पेड़ के तले हम बैठ गए 7-8 ड्राइवर कंडक्टर जो भी थे। 10 मिनट बाद एक आवाज़ आई, शोर मचा स्कूल की तरफ। हमने सोचा कोई सांप वगैरह लेकर आया या कोई झगड़ा हो गया किसी का। मैंने कहा यार आवाज़ सी आ रही है, चलो देखने चल रहे हैं क्या होगा। हम जब तक वहाँ पहुँचे तो वहाँ शोर मच रहा कि एक मैडम ही वो रोने लग रही, वो कह रहे हैं कि जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी, हाय मेरा बच्चा, जल्दी गाड़ी निकालो। हमने वहाँ जाके देखा तो वैगनार की सीट पे पीछे उस लड़के को लिटा रखा था, उसका चोट लगी हुई थी यहाँ से। तो वो बोल रही थी कि प्लीज़, रो रही थी, प्लीज़ कोई आओ आओ आओ, एक और आओ, मुझसे अकेले से नहीं होगा। तो मैं उनके साथ वैगनार में बैठ गया। हम उसे फिर ले कर गए बादशाहपुर, सेफ एंड हॉस्पिटल है, उसमें ले कर गए। उन्होंने अंदर ले कर गए, ऑक्सीजन वगैरह लगाई इमरजेंसी में। वो बोले जी आप इसे जल्दी आरटीएमएस हॉस्पिटल ले जाओ। तो जी हमने कहा उनसे एम्बुलेंस मंगा दो जी, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस मंगाई, एम्बुलेंस में उसे लेकर आरटीएमएस हॉस्पिटल चले गए। तो मैं और वहाँ जो हमारा ड्राइवर था गजराज वो रख गए। थोड़ी देर बाद एक मैडम आई अंजू, उसे फिर छोड़ के हम छोड़ने गए आरटीएमएस हॉस्पिटल, उसे छोड़ के तुरंत हम वापस स्कूल में आ गए। मनोज जी आपको बाद में पता चला होगा कि आपके बीच का ही शख्स अशोक, जो आप लोग के साथ उठता बैठता होगा, वही इस बच्चे का कातिल है। ये जानकारी आपको कब पता चली और आपको क्या लगा कि अशोक इस तरह की हरकतें कैसे कर गया? ऐसा जी, जब हम स्कूल में वापस आए ना, मेरे मैडम को छोड़कर आरटीएमएस में, तो वहाँ बता रहे थे कि भाई तेरे खून में कपड़ा कैसे, मैं उन बच्चे को लेके मैंने डाला था वैगनार में, बस ये बात थी। साफ तरीके से वो मुकर गया कि उसने कुछ ऐसी घटना की है और झूठ बोलते रहा कि बच्चे को उठा रहा था इसलिए हुआ। अब हमने तो आगे यही सुनी जी स्कूल में आए थे कि भाई ये खून क्यों लग रहे हैं, नो कि मैंने बच्चे को उठा के उसमें डाला था, बाकी और उसके बारे में ना तो हमने वो उस टाइम देखा, क्योंकि हमारा ध्यान बच्चे पर था। जब गए तो वैगनार में लेटर, हमारा ध्यान बच्चे पर था, हमने अशोक मतलब वहाँ पर नहीं देखा। अशोक आपके साथ उठता बैठता होगा, आप लोग जहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप लोगों को दरी दी गई है कि आप लोग वहाँ बैठे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया गया है, हर किसी के बच्चे से जुड़ा हुआ मामला है। आपको क्या लगता था अशोक इस तरीके की हरकत कैसे कर बैठा? ऐसा जी, अशोक नहीं तो हमारे दौर बैठता था, क्यों जहाँ ड्राइवर कंडक्टर लिए कोई रूम वगैरह तो बना रखे, दरी दे रखी है, तो कुछ आदमी एक पेड़ के नीचे दरी बैठते हैं, कुछ अलग बैठते हैं, तो हमारे पास नहीं बैठता था, अकेले बैठता था। नहीं अकेले भी नहीं, मतलब और दूसरे ड्राइवर के साथ, मतलब हमसे ज़्यादा उसके उस नहीं थी, हमारे पास नहीं बैठता था। और जो आप लोग को मान लीजिए बैठने की जगह नहीं थी, आप लोग के लिए कोई स्पेशल रूम नहीं बना हुआ था, वॉशरूम का यूज़ करना होता, बाथरूम यूज़ करना होता, कहाँ जाते थे आप? बाथरूम ड्राइवर कंडक्टर लिए कोई बाथरूम नहीं है, कोई लेटरिन नहीं है, हम तो बस के पीछे, जैसे बस खड़ी होती है ना पार्किंग, बस के पीछे पेशाब वगैरह कर लेते हैं, कोई इंतजाम नहीं थे। और मान लीजिए आप लोग नहाना होता हो, क्योंकि आमतौर पर आप लोग 24 घंटे बस पर भी रहते हैं। नहीं नहाने नहाने का तो कोई नहीं जी, नहाने तो हम ड्यूटी सुबह जाते हैं, नहा के जाते हैं, बाकी नहाने का तो कोई वो नहीं है, बाकी पेशाब वगैरह बाथरूम वगैरह हम बस के पीछे कर लेते हैं। कोई इंतजाम नहीं दिया गया था स्कूल में? स्कूल में ड्राइवर कंडक्टर के लिए कोई लेटरिन बाथरूम नहीं है। बच्चे की हालत क्या थी जब बच्चे को, प्रद्युमन को आप लोगों ने वो गाड़ी में रखा, जब आप पहुंचे, जैसे आप बता रहे हैं कि वो पहले से ही लेटा हुआ था, तो जब अस्पताल पहली बार पहुंचे पूरे रास्ते में पैनिक था, फ़ोन पे बातें हो रही होंगी, क्या कुछ याद है कि टीचर्स क्या बातें कर रहे थे अपने सीनियर्स से? ऐसा है जी, जब मैंने बच्चा को देखा पहली बार वैगनार में लेटा रखा था, हम उसे ले के गए तो उसकी सांसें चल रही थी, आँखें खुली थी, सांसें चल रही थी, आँखें खुली थी। मैं वैगनार के नीचे, मतलब उसके सिर के पास ड्राइवर साइड के नीचे बैठा था, जो मैम थी मिनी मैम, वो उसके पैरों की तरफ थी, बाकी सांसें चल रही थी, आँखें खुली हुई थी। पीछे कौन कौन लेके बैठे? पीछे मैं और मिनी मैम, और आगे ड्राइवर है गजराज और थॉमस सर।
चार बंदे थे। साथ से चल रही थी, आपके गोद में था प्रतिबंध? गोद में नहीं था जी, मैं जैसे वैगनार में इतनी जगह नहीं होती, हाँ, तो मैं थोड़ा उसके साइड में नीचे बैठा था, हाँ। ऐसे घुटनों के बल। अच्छा, आप आगे की तरफ जो लेग स्पेस होता है जहाँ पैर रखने की जरूरत, आप वहाँ बैठे? वहाँ बैठे था, हाँ, उसके सिर की तरफ। मैं तब तक उसी सांसें चल रही थी, सांसें चल रही थी, आँखें भी खुल रही थी। और जब वहाँ पे लाइफ केयर हॉस्पिटल से ले गए, उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए जो उनको ऑक्सीजन लगा दी, उसके बाद वो बोले कि भाई इसे आप जल्दी से जल्दी आर्टिम्स ले जाओ। उसके बाद फिर वो शायद जेएस या मिनी मैम गई थी, मैं ड्राइव वहीं रह गया था। फिर बाद में अंजू मैम पहुंची, हम उन्हें छोड़ने के लिए आर्टिम्स चले गए। उन्हें तुरंत आर्टिम्स छोड़ के हम अपने गाड़ी में वापस स्कूल में आ गए। तो क्या किससे किससे फ़ोन पे बातें कर रही थी मैडम जो थी, किसी को इत्तला की कि आ जाइए आप रेस्क्यू के लिए आ जाइए, परिवार वालों को फ़ोन वोन किया गया? नहीं जी, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं। हम जो पहले फ़ोन किया गया वही वो, हाँ, मतलब हमारे सामने कोई बात नहीं, हम तो छोड़ के उसे अपने स्कूल में आ गए। पुलिस ने भी आपसे पूछताछ की होगी, पूछा होगा कि क्या देखा आपने, किस तरीके का व्यवहार था, स्कूल की लापरवाही है नहीं, इस पूरे मामले में क्या बताया पुलिस को? भी जी यही बयान थे हमारे, जो हमसे पूछा भाई कौन सी बस पे कंडक्टर हो, रूट नंबर क्या है, मतलब ये सारी बयान मैंने वो ऐसी कैसी बताई कि शोर मचा, हम वहाँ से उठ के आए, हमने देखा ऐसे। आप वो शख्स हैं जिन्होंने प्रतिबंध को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, कई तरह के बयान आ रहे हैं कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती की, पुलिस ने ज़्यादती की, अब अशोक के परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस उन पर ज़्यादती करी है, ऐसा कहीं आपको फील हुआ, आपको महसूस हुआ कि पुलिस आपसे ज़बरदस्ती कुछ कहलवाने की कोशिश कर रही है? नहीं जी, हमसे पुलिस वालों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हम बुलाए गए स्कूल में, हमसे पूछा भाई आपने यहाँ ड्यूटी करते हो कितने टाइम से ड्यूटी करते हो, आपने उस दिन क्या देखा, तो हमने जो आपको बताया वही हमने वहाँ बयान में दे दिया। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक वो होगा मंजर, अभी सोचते हैं उसके बारे में बुरा लगता है, लगता है कि बच्चे की जान बचाई जा सकती थी, नहीं बची, आपके गोद में आप लोग लेके गए थे, पूरी कोशिश की आप लोगों ने, फिर भी प्रद्युम्न नहीं बचा और परिवार को इतनी बड़ी क्षति पहुंची है, वो भी स्कूल कैंपस के अंदर। मनोज जी, आप लोग के सामने बच्चे 24 घंटे घूमते रहते हैं, उनमें से एक बच्चे का कोई कत्ल करके चला जाता है, वो भी शख्स जो आप लोग के आजू बाजू बैठता हो? अब ये तो जी हम किसी दूसरे के बारे में क्या बता सकते हैं, इंसान के कोई माथे पर तो लिखा नहीं होता, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लगता है कि और कुछ जल्दी होती, अगर ज़्यादा घाव गहरा नहीं होता तो उस बच्चे को बचा लेते आप? देखा ऐसा है जी, हालांकि हमने तो अपनी तरफ से जल्दी कोशिश करी, वहाँ भी जल्दी पहुँचे, 15-20 मिनट में पहुँच गए, ये 8-8-5-7 मिनट पहले निकले थे हम स्कूल से, और वहाँ 15-20 मिनट में सेफ एंड हॉस्पिटल पहुँच गए, लेकिन अब जाम वगैरह भी लगा होता, लेकिन चोट इतनी खतरनाक है उसके लड़के के, चोट ही ऐसी थी तो हाँ नहीं बचा पाई। कुछ कपड़ा वपड़ा रखा था उसके गले पे या ब्लीडिंग शुरू? आज कपड़े हमारे पास एक तौलिया थी, वो जो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी उसको यहाँ हमने टच ऐसे कर रखा था कि कपड़े नहीं। हम आपकी एफर्ट की बहुत तारीफ करते हैं मनोज जी, कि आपने कोशिश की प्रद्युम्न को उन आखिरी पलों में बचाने की। दे यू हर्ड फ्रॉम मनोज हु वॉज द वन हु वॉज अलॉन्ग विथ दोज थ्री मोर पीपल इंक्लूडिंग द टीचर ऑफ द क्लास टू सेव लाइफ ऑफ प्रद्युम्न, बट ही इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी अनहैप्पी बिकॉज इंस्टेड ऑफ ऑल द एफर्ट्स विच ही ट्राई टू पुट इन दे कुड नॉट सेव प्रद्युम्न, बट सर्टनली ही इज़ ऑल्सो रेजिंग वेरी वैलिड पॉइंट दैट देर इज़ नो facility which is provided to these bus conductors and drivers for using the basic utility things, that's why they had to go to the school campus washroom, which is a